बीजेपी को पैसा आ रहा है वो उनके करप्शन और किकबैक से आ रहा है, जो बाकी पार्टी को मोर स्पेसिफिकली क्योंकि डीएमके का एग्जाम्पल था वो पैसा क्लीन वाइट अच्छा पैसा है क्योंकि वो तो पावर में भी नहीं थे 2017 में, तो ये सब अच्छा पैसा है। तनुजा जी, मुझे लगता है कि देश को इस पर हो रही बहस थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं, मतलब कुछ भी बोल के कोई निकल जा रहा है, इतने विद्वान व्यक्ति हैं ये सारे लोग, और कितनी मतलब कोई शर्म नहीं है, कोई जरा सा भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों वाली पार्टी है, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि जब देश का मैंडेट बदलता है तो देश में उस पार्टी के साथ खड़े होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि जब कांग्रेस सरकार में थी तो ज्यादातर उद्योगपति कांग्रेस सरकारों को, कांग्रेस के लोगों को चंदा दिया करते थे। लेकिन ये जरूर लोगों को भूल गया होगा कि पहले बोरे में भरकर रुपया चला जाता था, अवैध काली कमाई से नेता बड़े होते थे, बैलेट लूट कर बनते थे, मतपत्र फाड़ दिए जाते थे। यानी जितनी करप्ट प्रैक्टिसेज इलेक्टोरल सिस्टम की हो सकती हैं वो सब करके बरसों बरस देश में लोकतंत्र का डंका पीटा गया। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म की एक सिफारिश थी, सजेशन था, जिसको 2018 में लागू किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है चूंकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, सीजीआई खुद उसको लीड कर रहे थे। लेकिन जरा आप सोचिए, 6,566 करोड़ रुपया, ये ऑडिट रिपोर्ट के लिहाज से एडीआर की रिपोर्ट में देख रहा हूं, और 1,123 करोड़ रुपया कांग्रेस को। अब आप बताइए, 52 सीटें कुल रह गई हैं कांग्रेस पार्टी की पूरे देश में, और वो चाहते हैं कि 7,000 करोड़ रुपया उनके खाते में आए। दूसरा एक और लॉजिक कमाल का आ रहा है कि अगर कोई किसी पार्टी को चंदा दे, डोनेशन दे, तो कल से वो काम धंधा समेट के कहीं और चला जाए, किसी द्वीप समूह में चला जाए। क्या क्या लॉजिक लेकर लोग आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, उनको लगता है कि एनोनिमिटी खत्म होनी चाहिए, ये हो सकता है, इस पर बात हो सकती है। आप इलेक्टोरल रिफॉर्म में बहुत कुछ हमें तय करना है, हम बड़ी मुश्किल से ब्लैक मनी से बाहर आए हैं, कैश कंपोनेंट से बाहर आए हैं, और मैं तो मानता हूं कि आप तय कीजिए ना, 20,000 की भी रकम कम कीजिए। आप ज्यादातर कहिए ना कि डिजिटल पेमेंट से होगा, ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए आए हुए रुपए हैं, यानी किसी भी तरह से सबसे ज्यादा जहां चेक लगाया जा सकता है वो चेक्स एंड बैलेंसेज के साथ ये डोनेशंस आ रहे हैं। अब आपकी मुश्किल क्या है, देश में सरकार नहीं बन रही है, जनता आपके साथ नहीं है, उद्योगपति चंदा नहीं देना चाहता है, तो एक काम करो, अभी हम अंबानी अडानी चिल्लाते थे, कुछ और लोगों के ऊपर हम वेंडेटा पॉलिटिक्स शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उस पर आगे बात हो सकती है, चुनाव आयोग को मीटिंग बुलानी चाहिए, सभी पार्टियों के साथ बात करना चाहिए, लेकिन अगर कोई चाहता है कि हम चंदा दें और हम उसको नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो क्या उसका कोई अधिकार नहीं है? क्या सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19(1)(a) के अलावा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अधिकार नहीं दिया हुआ? तो मैं ये कह रहा हूं कि डिबेट हो सकती है, लेकिन भाजपा को ज्यादा चंदा मिल गया इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड खराब, भाजपा को ज्यादा सीटें मिल गई इसलिए ईवीएम खराब, और चूंकि सरकार लगातार भाजपा बना रही इसलिए हमारे देश के बुद्धिजीवी तो बोल देते हैं जनता ही खराब, वो पता नहीं कैसे फंस जाती है। But तो ये बड़ा विचित्रता है। बट समटाइम्स डेटा एक्चुअली डजंट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ argument that we have. Data is a very inconvenient thing. Ashutosh ji, respond to that. But before that, I want to show you another very interesting data.